भारत के प्रधानमंत्री का पद देश का सबसे महत्वपूर्ण गरिमामयी और शक्तिशाली पद है, जो देश की सुरक्षा और उन्नति के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन सत्ता की चाह में जब कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति इस पद पर आकर बैठ जाए तो पूरे देश को इसके कितने गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये कहानी है मोरारजी देसाई की, जो केवल 2 वर्षों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इन 2 सालों में उनकी नीतियों और फैसलों ने भारत की सुरक्षा को हमेशा के लिए खतरे में डाल दिया। दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड हिंदी में, और यह है भारत के इतिहास की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अनटोल्ड स्टोरी, कमिंग अप नेक्स्ट। भारत 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध झेल चुका था, जिसके बाद आगे होने वाले किसी भी हमले की पूर्व जानकारी के लिए 1968 में RNAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन हुआ, जिसका मकसद था भारत के खिलाफ विदेशी हमलावरों द्वारा किसी भी नापाक कोशिशों को नाकाम कर देना। रॉ के पहले डायरेक्टर बने रामेश्वर नाथ काओ, जिन्हें द ग्रेट RN काओ के नाम से भी जाना जाता है। RN काओ का नाम भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे काबिल जासूसों में गिना जाता है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उनकी पूरी जिंदगी में केवल 2 ही पब्लिक तस्वीरें खींची गई हैं। चीन और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ गतिविधियों पर RN काओ की पैनी नजर थी, और RN काओ की अध्यक्षता में ही पोखरण में 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी में मोरारजी देसाई की दावेदारी मजबूत थी, लेकिन अगला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुन लिया गया और मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा। प्रधानमंत्री बनने की चाह रखने वाले मोरारजी देसाई ने कांग्रेस में विद्रोह कर दिया और जयप्रकाश नारायण की जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने 1979 का चुनाव लड़ा और गठबंधन सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री का पद मिल गया। भारत सरकार के महत्वपूर्ण सुरक्षा पदों पर नियुक्त उच्चाधिकारी सीधे प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह होते हैं, और रॉ के डायरेक्टर RN काओ जब पहली बार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिले तो प्रधानमंत्री ने रॉ की गतिविधियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। मोरारजी देसाई ने यह तर्क दिया कि भारत का किसी दूसरे देश की आंतरिक गतिविधियों को चोरी छिपे पता करना गलत है। यहाँ तक कि मोरारजी देसाई ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को समाप्त कर देने की भी पूरी कोशिश की थी, मगर भारतीय सुरक्षा सलाहकारों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद मोरारजी देसाई ने रॉ का वित्तीय बजट 40% तक कम कर दिया। प्रधानमंत्री के ऐसे मूर्खतापूर्ण रवैये को देखकर रॉ के डायरेक्टर RN काओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत के परमाणु संपन्न देश बन जाने के बाद पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। पाकिस्तानी आर्मी और ISI मिलकर पाकिस्तान में किसी गुप्त स्थान पर परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे थे। भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान में रॉ के एजेंट्स ने बड़ा नेटवर्क बना लिया था, और रॉ के पास ये पुख्ता जानकारी थी कि रावलपिंडी के पास कहूटा नामक स्थान पर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर कोई गतिविधि चल रही है। रॉ के एजेंट्स ने यह पता लगा लिया था कि इस प्रोजेक्ट बेस पर काम करने वाले कुछ साइंटिस्ट एक हेयर सैलून में बाल कटाने जाते हैं। वहां पर मौजूद रॉ के एजेंट्स ने उनके बालों के सैंपल्स को कलेक्ट करके उनकी जांच के लिए भारत भिजवाया। सैंपल्स की जांच में बालों में यूरेनियम और न्यूक्लियर रेडिएशन पाया गया। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि पाकिस्तान के कहूटा में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी ही चल रही थी। उस वक्त भारतीय रॉ एजेंसी के साथ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने में रॉ की मदद कर रही थी। मोसाद ने इसके पहले इराक में चल रहे न्यूक्लियर टेस्ट को भी अपने फाइटर प्लेन से बम गिराकर तबाह कर दिया था, और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भी मोसाद ने यही सलाह दी थी। यहां तक कि मोसाद खुद ही अपने फाइटर प्लेन से पाकिस्तान के कहूटा में बम गिराने को तैयार था, जिसके लिए उसने भारत सरकार से अपनी एयर स्पेस और रिफ्यूलिंग की इजाजत मांगी थी। और इन सबके बीच भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट्स ने
कहूटा न्यूक्लियर सेंटर के एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट को केवल $10,000 के बदले में उस न्यूक्लियर साइट का पूरा ब्लूप्रिंट देने के लिए राजी कर लिया था, जो रॉ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब ऑपरेशन कहूटा और $10,000 की अनुमति लेने के लिए रॉ के डायरेक्टर इसकी पूरी जानकारी लेकर सीधे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन शाबाशी देने की बजाय प्रधानमंत्री ने रॉ के डायरेक्टर को ही फटकार लगाई और पैसे देने से मना कर दिया, और ये आदेश भी दे दिए कि इस ऑपरेशन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। इसके पीछे उनका ये कहना था कि भारत को पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मोरारजी देसाई यही नहीं रुके, उनकी अक्सर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक से फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी, और एक दिन यूं ही डींगे हांकते हुए उन्होंने पाकिस्तानी राष्ट्रपति को ये जानकारी साझा कर दी, जिसके बाद जनरल जियाउल हक ने भारतीय जासूसों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ISI ने मोरारजी देसाई द्वारा दी गई जानकारी से पूरे पाकिस्तान में रॉ के जासूसों को पकड़ने के लिए मिशन चलाया, और ISI ने ज़्यादातर जासूसों को पकड़कर बेरहमी से मार दिया। किसी तरह कुछ एजेंट्स बचकर निकल गए। सालों की कड़ी मेहनत, त्याग, खून और बलिदान से बने रॉ के पूरे नेटवर्क को प्रधानमंत्री की एक बेवकूफ़ी ने तबाह कर दिया। इसे प्रधानमंत्री की गलती कहना भी गलत होगा, इसे प्रधानमंत्री का एक मूर्खतापूर्ण रवैया कहना ज्यादा सही है। इन सब के बाद पाकिस्तान सरकार ने मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा था, और ये सम्मान पाने वाले वो आज तक के इकलौते भारतीय हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर इन सब के बाद पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बना ही लिया, और इसी के दम पर वो आए दिन भारत पर परमाणु हमले की धमकियां देता रहता है, जिसके कारण हमें अपनी सुरक्षा में हर साल अरबों खरबों रुपए लगाने पड़ते हैं। दोस्तों, हम अब बस यही ध्यान रख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर फिर कभी कोई ऐसा व्यक्ति ना बैठ पाए जिससे हमारे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस अनटोल्ड स्टोरी को जान पाएं। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे अनटोल्ड हिंदी का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अपने कीमती समय और वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।